दीदी आज आप हमें क्या सिखाएंगी? आज जी। आज हम तुम्हारे लिए कुछ चित्र लेकर आए हैं जी। बहुत सारे चित्र, और तुम्हें चित्र देखना अच्छा लगता है ना? जी दीदी। तो आज तुम हमें ये चित्र देखकर बताओ कि इस चित्र में तुम्हें क्या दिख रहा है। वाह दीदी, बहुत अच्छा चित्र है। हाँ दीदी, बहुत सुंदर नदी है। अच्छा, और क्या दिख रहा है? पेड़ है। और कितनी सुंदर पहाड़ियाँ भी हैं। दीदी, पहाड़ियों के पीछे तो सूरज भी निकल रहा है। हाँ, तुम्हें तो सब दिख रहा है। और क्या दिख रहा है इसमें? दीदी, दो दोस्त बैठे हुए हैं। दोस्त? वो तो मुझे नहीं दिख रहे। दीदी देखिए ना, नदी के किनारे मेंढक और कछुआ। ओ, तुम इस कछुए और मेंढक की बात कर रहे हो? जी दीदी। मगर दीदी, ये जमीन पे क्यों बैठे हैं? अरे जमीन पर ही तो रहते हैं। नहीं नहीं, ये नदी में तैरते हैं। अरे भाई, आधार सही कह रहा है। नहीं दीदी, आप बताइए ये दोनों कहाँ रहते हैं? अगर हम ये कहें कि दोनों ही सही कह रहे हैं, यानी आधार भी सही है और अंशुमान भी सही है, क्योंकि ये कछुआ और मेंढक दोनों जमीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी तैर सकते हैं। वो कैसे दीदी? वो कैसे दीदी? वो इस तरह से, क्योंकि इनका शरीर जो है वो दोनों जगह पर रहने के अनुकूल है। प्रत्येक जीवधारी की आदतें तथा शारीरिक बनावट उसके परिवेश के अनुकूल बन जाती है। इसे अनुकूलन कहते हैं। यानी कि जितने भी जीवधारी हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, हम इंसान हैं, सब अपने परिवेश के अनुरूप अपने आप को अनुकूल बना लेते हैं। मगर दीदी, जैसे मेंढक है और कछुआ, ये दोनों तो पानी में भी रह लेते हैं और जमीन पे भी रह लेते हैं। बिल्कुल ठीक। मगर दीदी, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो सिर्फ पानी में रह पाते हैं, जैसे मछली। बिल्कुल ठीक। जो मछली होती है, तुमने जो बताया ना अभी मछली और मेंढक में, तो दोनों में जो शारीरिक बनावट होती है उसमें बहुत अंतर होता है। इस चित्र में इस मछली का तुम आकार देखो कैसा है। कैसा दिख रहा है आगे से? कैसा है पीछे से? पतला। पर बीच में कैसा दिख रहा है? दीदी मोटा है। मोटा है, यानी इस आकार को देख के तुम्हें क्या याद आ रहा है? दीदी नाव। नाव, नाव। ठीक है। और नाव कैसे पानी में तैर लेती है ना? जी दीदी। तो नाव की तरह ही मछली का भी आकार होता है। जी दीदी। जो, यानी इसका आकार कैसा होता है? जो पानी में आसानी से तैर सके। और ये देखो, ये क्या दिख रहे हैं इसके? पंख। ये क्या है? पूंछ। और इसकी जो ये छोटे छोटे पंख होते हैं और पूंछ होती है, ये भी जैसे नाव को हम पतवार से चलाते हैं ना, ठीक है, चप्पू चलाना पड़ता है, उसी तरह ये जो पंख है ये पतवार का काम करते हैं। और इनकी मदद से ये आसानी से पानी में तैरती है। यानी मछली का जो आकार है और इसकी ये पंख और पूंछ उसको पानी में रहने के अनुकूल बनाते हैं, जिससे वो पानी में आसानी से जी सके, रह सके और तैर सके। दीदी दीदी ये तो तैरने की बात हो गई, मगर दीदी ये सांस कैसे लेती है? इस चित्र को देखो, ये मछली का मुंह है ना? जी दीदी। और ये उसका गलफड़ है, गलफड़ है ना? जब तुमने मछली को कभी पानी में तैरते हुए देखा है, वो बार बार मुंह खोलती है, बंद करती है, खोलती है, बंद करती है, करती है ना? तो जब वो मुंह खोलती है तो ढेर सारा पानी उसके मुंह से अंदर चला जाता है। जी दीदी। ठीक है। और पानी के अंदर जो हवा होती है उससे जो ऑक्सीजन मिलती है वो इसके ये गलफड़ सोख लेते हैं, है ना? और जब ये गलफड़ इसको सोख लेते हैं तो जो शेष पानी बचता है, बाकी पानी होता है, वो सब यहाँ से बाहर चला जाता है। तो यानी पानी में उपस्थित ऑक्सीजन से ये सांस लेती है। और इसके लिए किस अंग का मदद लेती है? वो गलफड़ की। जैसे हम मनुष्य किस अंग की मदद से सांस लेते हैं? फेफड़े की मदद से। क्योंकि हम जो ऑक्सीजन मुंह के जरिए लेते हैं, हवा लेते हैं, उसमें से ऑक्सीजन कौन ले लेता है? हमारे फेफड़े ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं। उसी तरह मछली में गलफड़ वो अंग है जो पानी में उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती है। और इस तरह से मछली पानी में सांस लेती है। और तभी तो देखो, जब मछली को पानी से बाहर निकालो तो कैसे तड़पती है ना, और थोड़ी देर में क्या हो जाता है? मर जाती है ना। कि मछली सिर्फ पानी में ही रह सकती है। और पानी में रहने के क्यों रह सकती है? क्योंकि उसका शरीर की संरचना, उसकी आदतें, उसका खान पान पानी में रहने के अनुकूल है, है ना? अच्छा, और इसी तरह देखो, कुछ पौधे होते हैं ना दीदी, जो हमेशा पानी में उगते, कौन से पौधे हैं? कमल। कमल है। दीदी एक बार मैं गांव गया था तो मेरे को सिंघाड़े तोड़ने के लिए तालाब के अंदर जाना पड़ा था। बिल्कुल ठीक, क्योंकि सिंघाड़े भी हमेशा पानी में ही होते हैं। सिंघाड़े का पौधा भी पानी में ही होता है। और तुम्हें पता है कि जो पौधे पानी में होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? जलीय पौधे, है ना? अब देखो, ये पानी में क्यों रहता है तुम्हें पता है? पानी में ही क्यों उग पाता है? क्योंकि तुमने कभी कमल को देखा, वो कहाँ पे रहता है? पानी की सतह पर रहता है। और उसकी पत्तियाँ कैसी होती है? गोल गोल। अच्छा अनीता, तुम बताओ कैसी होती है? उसकी पत्तियाँ गोल होती है। गोल होती है। और तुम बताओ छवि? और
चिकनी होती है मोम की तरह। हाँ, और चिकनी होने से क्या फायदा होता है? उसके ऊपर पानी नहीं ठहर पाता। अगर पानी डालो तो क्या होता है? वो मोती की तरह फिसल जाता है। फिसल जाता है, यानी कोई भी पानी पत्ती अंदर ग्रहण नहीं करती, सब फिसल जाता है। और कितनी बड़ी होती है ना, तुमने देखा कमल की पत्ती, इतनी बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, और सब तालाब की सतह के ऊपर रहती हैं। इससे क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी पत्तियां हैं वो सूरज से रोशनी लेकर खाना बनाती हैं, और अगर वो पानी सोख लेती, चिकनी नहीं होती, तो क्या होता, वो सड़ जाती जल्दी, है ना। इसीलिए वो इतनी चिकनी होती कि पानी में रहकर भी उन पर पानी का असर बिल्कुल नहीं होता है। जल में रहने वाले जो पौधे और जंतु होते हैं उन्हें हम जलीय पौधे और जलीय जंतु कहते हैं, ठीक है। तो ये जो जलीय जंतु होते हैं, इनकी विशेषता क्या होती है कि ये जल में रहने के अनुकूल होते हैं, यानी इनकी संरचना ऐसी होती है कि पानी में आसानी से सांस ले सके और पानी में आसानी से रह सके, है ना। मगर दीदी कुछ जानवर तो ऐसे होते हैं जो कि दीदी जमीन पे ही रहते हैं और वो पानी में जाते ही नहीं है, रह ही नहीं पाते हैं, वो जंगल में रहते हैं, जैसे शेर, हाथी, हिरन, बंदर, यानी जमीन में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले जीव जंतु और जमीन पर रहने वाले पेड़ पौधे जो जमीन पर ही उगते हैं, होता है ना। ये जैसे बड़े बड़े जंगल होते हैं, जंगल में कितनी तरह के पेड़ पौधे होते हैं, बेले होती है, होती है ना। तो ये जब हम लोग जमीन पर रहते हैं, थल पर रहते हैं, तो वहां पर क्या होता है, जो वहां पर रहने वाले, देखो इस चित्र में देखो, ये कौन है? शेर। ये कौन है? हिरण। अब ये शेर, हिरण है और ये बहुत सारे पेड़ हैं, जंगल है ना। तो जब से हिरण है ये और शेर है, इन लोगों को जो खाना है वो जंगल से ही उपलब्ध हो जाता है, जंगल से मिल जाता है, यानी कुछ तो जैसे गाय है, खरगोश है, ये सब पेड़ पौधे घास खा लेते हैं, और शेर को क्या खाना पड़ता है? मांस। मांस खाता है। इनके जो पैर होते हैं, जो खुर होते हैं, वो इस तरह के बने होते हैं कि वो जमीन पर आसानी से दौड़ सके, चल सके, है ना। यानी इनकी जो बनावट होती है वो कैसी होती है कि वो जमीन पर रहने के अनुकूल होती है, और इसलिए वो आराम से जमीन पर रह लेते हैं, जैसे हम इंसान आसानी से जमीन पर रहते हैं। और जो जीव जंतु पेड़ पौधे जमीन पर रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? थलचर। थल माने क्या होता है? जमीन। स्थल जमीन, और चर माने उस पर रहने वाले लोग, है ना। तो यानी एक जो जल में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? जलचर। जो लोग थल में रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, उनको क्या कहते हैं पेड़ पौधे जंतु? थलचर। थलचर। और जो जैसे कि मेंढक और क्या था? कछुआ। वो कहाँ रहता है? वो जमीन और पानी दोनों में रहता है, यानी उसका शरीर इसके अनुकूल है कि वो पानी में भी रह सकता है और जल के भी अनुकूल रहता है। ऐसा क्यों है पता है तुम्हें? नहीं पता ना। अच्छा, कभी तुमने बतख के पैर देखे हैं या तुमने मेंढक के पैर देखे हैं? कैसे होते हैं? उनकी उंगलियों के बीच में जाल होता है, जाल सा बना होता है, देखा है ना, एकदम ऐसे जाल सा बना रहता है, यानी आपस में पूरा जुड़ा हुआ रहता है। तो जो उनके इस तरह से बनावट होती है पैरों की, वो क्या करती है, उन्हें पानी में आसानी से तैरने में मदद करती है, यानी उन पैरों की मदद से वो आसानी से पानी में तैर लेते हैं। और जब वो जमीन पर आते हैं तो उनके पैर किस में मदद करते हैं? चलने में। यानी पैर है इसलिए वो चल सकते हैं, और पैरों का आकार इस तरह है कि वो पानी में आसानी से तैर ले सकते हैं। तो ऐसे जीव जंतु जो पौधे पानी में भी रहते हैं और थल पर भी रहते हैं, जमीन पर भी रहते हैं, उनको हम कहते हैं उभयचर। मगर दीदी कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो ना जंगल में रहते हैं ना पानी में, दीदी वो रेगिस्तान में रहते हैं, दीदी जैसे ऊंट है, तो दीदी ऊंट क्या खाता होगा, क्या पीता होगा? हाँ दीदी, अब इसके पैर देखो जरा कैसे हैं? लंबे पैर हैं, है ना। और इसकी तुम कभी देखा है इसके जो पंजे होते कैसे होते हैं? जी दीदी, गद्देदार होते हैं, है ना, यानी कि ये जमीन पर नहीं बल्कि रेत पर बड़ी आसानी से चल सकता है, और लंबे होने की वजह से जब रेत में अगर थोड़ा धस भी जाएंगे तो भी आसानी से निकल भी सकता है, है ना। तो इसके लंबे लंबे ये पैर है जो आसानी से इसे रेत पर चलने में मदद करते हैं, है ना। और इसका ये हिस्सा देख रहे हो यहाँ पर, ये क्या है दीदी? जिसको ऊंट का कूबड़ भी कहते हैं ना। जी। अच्छा, तुम्हें पता है यहाँ पर क्या होता है? नहीं दीदी। आधार तुम्हें पता है? नहीं दीदी। नहीं पता है। ये जो कूबड़ जैसी जगह दिख रही है ना, यहाँ पर ऊंट क्या करता है, जो खाना होता है जब वो कहीं उसे खाना मिलता है, क्योंकि रेगिस्तान में बहुत दिनों तक खाना हो सकता है ना मिले उसको, तो जब उसे खाना मिलता है तो उसमें जो वसा होती है उसको वो इस जगह पर संचित कर लेता है, यानी एक तरह से ये उसका स्टोर है।
जहाँ पर वो खाना स्टोर करता है, खाना का संचय करता है। और दीदी वहाँ रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी भी नहीं, तो ये पीता क्या होगा? हाँ, जैसे हम अपने घरों में क्या करते हैं, टंकी में पानी स्टोर करते हैं कि नल चला जाए तो हम उससे काम चला लेते हैं, उसी तरह जब इसे बहुत दिनों तक पानी नहीं मिलता है तो इसके शरीर में एक थैली होती है जिसमें वो पानी भर लेता है, और जब पानी उसे नहीं मिलता है तो वो उसी पानी का उपयोग करता है जिससे वो कई दिनों तक बिना पानी के भी काम चला लेता है, है ना। तो यानी इसके शरीर में जो ये बनावट है, जो संरचना है, जो इस तरह की पानी की थैली है या जो कुबड़ है जहाँ पे वो खाना संचय करता है, ये इसके शरीर को किसके अनुकूल बनाता है कि वो इस रेगिस्तान जैसी जगह में आराम से रह सके। तो ऊँट ने अपने आप को किस परिस्थिति के अनुकूल कर रखा है? मरुस्थल के अनुकूल। की दीदी पक्षी आसमान में कैसे उड़ पाते हैं, हम क्यों नहीं उड़ पाते? दीदी कभी तुम लोगों ने कोशिश की उड़ने की? जी दीदी हमने की, हमने परी वाले पंख लगाए और बहुत बार कोशिश की मगर उड़ नहीं पाए। नहीं उड़ पाए, पता है क्यों नहीं उड़ पाए? नहीं पता है। तुम्हें पता है तुम्हारा शरीर में जो हड्डियां होती हैं वो क्या होती है? काफी भारी होती है ना, हम लोग कहते हैं वजन होती है ना। और कभी चिड़ियों की तुमने हड्डियां देखी है? नहीं दीदी। चिड़ियों की हड्डियां खोखली होती हैं, बहुत हल्की होती हैं, और इसीलिए वो इतनी हल्की होती है कि आसमान में वो आसानी से उड़ जाते हैं, है ना। और पता है ये देखो चिड़ियों का चित्र, ये क्या है? चिड़ियों का चित्र। कहाँ बैठी है? पेड़ पर। ये क्या कर रही है? उड़ रही है। हाँ, इनकी ये देखो ये क्या है, मुंह की जगह पर क्या होता है इनका? चोंच होती है, है ना। जैसे दांत भी हड्डियों के बने होते हैं ना, हड्डियां होती है ना दांत भी वास्तव में, तो यहाँ पर इनकी चोंच होती है क्योंकि हड्डियों का भार कम हो, इनके शरीर में हड्डियां खोखली होती है जो भी ढांचा होता है, और दांत की जगह पर भी इनकी चोंच होती है। और ये क्या है इनके? पंख। और ये क्या है? पूंछ। पूंछ। तो ये पंख जो इनकी पंख की बनावट होती है शरीर में, इसकी बनावट ऐसी होती है कि इन्हें फैलाकर वो आसानी से आसमान में उड़ते हैं। दीदी अब तो हमें अनुकूलन के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया है। आज तुम लोगों को अनुकूलन के बारे में बताया गया, अगली बार तुम लोगों को किसी और विषय में जानकारी दी जाएगी।